मुझे ये बोला था कि आप हमें कॉन्टोरिंग बताएं, क्योंकि मैं वैसे तो करना चाह रही थी। मैंने आपको एक पूरी वीडियो जो दी थी वो फाउंडेशन सेट करने पर दी थी, बेस बनाने पर दी थी। तो आज और मैंने कहा था कि मैं कॉन्टोरिंग बहुत जल्दी बताऊंगी, क्योंकि कॉन्टोरिंग मेकअप का एक ऐसा पार्ट है कि जिसके बगैर अगर आप जितना भी अच्छा मेकअप कर लें तो मुझे नहीं लगता कि आपका मेकअप उतना परफेक्ट होता है। सो कॉन्टोरिंग करना मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है कि जिसको जो काम आता है उसके लिए वो मुश्किल नहीं होता, और हर काम के लिए आपको कुछ ना कुछ एफर्ट करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। और सबसे बड़ी और सबसे मज़े की बात ये कि हम बैठे हैं आप लोगों को सिखाने के लिए, हम भी खुद भी सीखते हैं, हम सीखते हैं और फिर आपको सिखाते हैं। सो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं। सो आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है और जो है फिर आप देखें कि आप कितने मज़े से कॉन्टोरिंग अपने घर में कर लेते हैं। अच्छा जी, क्या है सबसे पहले जो है मेन कॉन्टोरिंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चबी फेस पर होती है कॉन्टोरिंग, आप स्लिम फेस पे भी कर सकते हो कॉन्टोरिंग, आप हार्ट शेप फेस पे भी कर सकते हो। मीन्स कि कॉन्टोरिंग आपके हर फेस कहेंगे फेस शेप पर होता है, ठीक है जी। अच्छा मैं, क्योंकि भाई मेरा जो फेस है मैं तो उस पर करके दिखाऊंगी, तो मेरा फेस चबी है, थोड़ा सा ब्रॉड है। सो अब मुझे अपने फेस पे कैसे कॉन्टोरिंग करनी है तो मैं आपको अपने फेस के लिए बता रही हूँ, थोड़ा सा और भी टिप दे दूंगी और भी कि अगर पतला फेस होगा तो उस पर आपने कैसे करना है। लेकिन एक जो टोटल मैं बता सकती हूँ आपको, अपने फेस पे करके दिखा सकती हूँ, ठीक है जी। अच्छा क्या करना है हमें, मैंने अपने बाल कर दिए सेट। अच्छा जी क्या करना है, मैंने अपने फेस पे हल्का सा जो है वो फाउंडेशन अप्लाई करा हुआ है, तो मैं अब आपको बता दूं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपके कॉन्टोरिंग है वो दो किस्म की होती हैं, एक ही होती है पाउडर फॉर्म में, मेरे पास है मिस रोज का, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें ये पाउडर कलर्स हैं, ठीक है, डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन है और उससे लाइट शेड है, मतलब कि 4-5 शेड्स हैं, ठीक है जी। एक एक आप इससे कॉन्टोरिंग कर सकती है पाउडर से, और दूसरा आप कर सकती हैं लिक्विड, ठीक है जी, क्रीमी, जिसे क्रीम में कहेंगे कि क्रीम है, ये क्रीम फॉर्म में कहेंगे। ये है प्रो का कंसीलर, डार्क ब्राउन कलर का है, आप देख लें, ठीक है जी। ये कलर कैरेक्टर के लिए भी यूज़ होता है, मैं तो लंबे चौड़े उस पर नहीं जा रही हूँ, लोगों को समझ में नहीं आता है। सो ये आ गए हमारे दो तरीके कॉन्टोरिंग के, भूल गई थी मैं, दिमाग को बदलने क्या हुआ, ठीक है जी। ये आ गए दो तरीके कॉन्टोरिंग के, अब मैं आपको इससे भी करके दिखा दूंगी, आपको इससे भी करके दिखा दूंगी, एक ही टाइम में एक तरफ जो है वो क्रीमी वाले से करके दिखा दूंगी, दूसरी तरफ आपको पाउडर में करके दिखा दूंगी। फ़र्क नहीं है, जो बेस अच्छे से सेट कर लेता है वो क्रीम फॉर्म को बहुत अच्छे से अपने पफ के जरिए, अपने ब्यूटी ब्लेंडर के जरिए ईजिली वो अपने जो है वो इसको कॉन्टोर को सेट कर देता है। पाउडर जो है ये आपका लगेगा आपके ब्रश से, ये आ गया मेरा पाउडर का ब्रश, ठीक है जी, और ये आ गया मेरा इस तरह से, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, ठीक है जी, ये हो गया डन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्टोरिंग, चबी फेस के लिए कॉन्टोरिंग कैसे करेंगे। सो मैंने यहाँ पे अपनी की है लोकेशन चेंज, क्योंकि मुझे लग रहा था वहाँ पे लाइट सही नहीं आ रही, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्टोरिंग, स्टार्ट करते हैं यहाँ। अच्छा जी मैं आपको बता दूँ कि हमें जो है सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, कोई सी भी आप जो है ना पेंसिल ले लें या कोई भी आप कलर वो शेड ब्रश ले लें, ठीक है। हमने क्या करना है, हमें इसको जो है वो अपने रखना है कान के पास से, ये देखें लिप और कान की लॉ, ठीक है जी, ये आ गया ये और ये आ गया हमारा लिप, ठीक है ना। हमने इसको यूं घुमाना है, बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से कर देते हैं यूं नीचे की तरफ से, ये देख रहे हैं हम, ये नीचे की तरफ से, ऐसा हरगिज नहीं करना है। हमने इसको कान की लॉ से लेना है और हमें रखना है इसको ये अपने होंठ के शेप पे, ये मैं बता रही हूँ जो आपका फेस चबी। अच्छा वैसे मुझे जो है बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरे जो है कुदरती आप देख रहे हो ये कट्स बन रहे हैं, अब मैंने कुछ भी नहीं करा है, बेशक मेरा फेस अभी चबी है लेकिन मेरे ये कट्स बनते हैं शुरू से, ऐसा है। और बहुत से लोगों को लगता है देख रहे हैं, शिट डाल है,
बहुत से लोगों को लगता है कि मैंने कॉन्टोरिंग की हुई, लेकिन मैंने नहीं की होती। और नॉर्मली ऐसे कहीं पर भी आपने जाने तो कॉन्टोरिंग नॉर्मली थोड़ी होती है, जब आपका कोई पार्टी मेकअप है या आपका बहुत अच्छा सा कोई लुक हो रहा है तो मैं कॉन्टोरिंग करती हूँ, अदरवाइज मैं नॉर्मली कहीं आने जाने में कॉन्टोरिंग नहीं करती हूँ। सो अभी मैंने कॉन्टोरिंग नहीं की हुई, लेकिन आपको ऐसे लगा होगा कट्स बने में। एनीवेज तो स्टार्ट करते हैं, कॉन्टोरिंग मैं कर रही हूँ पहले पाउडर फॉर्म से, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिया है ये डार्क ब्राउन कलर, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं रख रही हूँ टेबल पे, और हमने ये इसको यहाँ रखना है, ठीक है। और ये हमने लिया ब्राउन शेड, और हमें लगा देना है एक हमें लाइन क्रिएट करनी है, ठीक है जी। ये रखती हूँ, फिर ये आया और ये हो गई लाइन क्रिएट, ठीक है। ये हमने एक बॉर्डर लाइन बना ली है, अभी हमें इसको लेकर चलना है, ठीक है जी। अब जो है हमने क्या करना है, इसी को पाउडर को थोड़ा सा और लेना है, और इसको हमने क्या करना है, इसको हमने करना है अपने ब्रश से ऊपर की तरफ अच्छे से ब्लेंड, ठीक है। ये देखें ऊपर की तरफ ये आया, अभी जस्ट ये करना है हमें। और अब इसको मैंने क्या करना है, ये अभी इसको हमने क्या करना है, मैं इसको कर लूँगी अपना अच्छे से भी, किसी भी पिंक कलर या जो भी मुझे ब्लश ऑन लगाना है उससे मैं इसको पूरा सेट कर लूँगी। अभी मैं इसको यहीं छोड़ रही हूँ, ठीक है। ये अभी हाफ डन हुआ है हमारा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाए हम दूसरी साइड पे, दूसरी साइड पे क्योंकि मैंने जैसे कि बताया आपको कि मैं क्रीम फॉर्म में करके दिखाऊंगी आपको, ये भी बहुत ईजी है। ये आया इस तरह से, ये देखेंगे इसको मैंने दबाया, ये आ गया हमारा। इसको भी हमने इसी तरीके से ये इस तरह से लेना है। देखिए मेरे जैसे मैंने बताया, मेरी जॉल ये कॉन्टोरिंग लाइन ये वैसे क्रिएट हुई हुई है कुदरती, तो मैं इसको थोड़ा सा ये ले लूँगी, ठीक है जी। और इसी तरह रॉ बनाऊँगी, ठीक है। अच्छा, ये बाकी बचा है क्योंकि सिर्फ आपने चिन आपने सिर्फ चीक्स की कॉन्टोरिंग नहीं करी, कॉन्टोरिंग आपकी होती है आपके फेस के फोर पार्ट्स की, आपके आगे चिक्स, आपके आगे जॉ लाइन टू, आपका आ गया नोज, और आपका आ गया फॉरहेड। जब तक आप इन चार चीज़ों को कॉन्टोर नहीं करेंगे आपका फेस बैलेंस में नहीं आएगा, एक एक प्रॉपर कॉन्टोरिंग नहीं होगी, ठीक है। डिटेलिंग समझा रही हूँ, कुछ भी अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। ये आ गया, मैं आपको इस तरफ पूरा करके दिखा देती हूँ। ये आ गया, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ लगा लिया, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा अपने नोज पर कर लिया, और ये आ गया मेरे फॉरहेड, ठीक है। ये मैंने लिया है अपना ब्यूटी ब्लेंडर, ठीक है जी। और शीशा उठा लूँ मैं अपना, ये देखिए ये आया, और ये मैंने करा इसको, इसको भी मैंने करना है ये ऊपर की तरफ ब्लेंड, ये देखिए, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक ठीक हो गया, ये हमने कर लिया, इसको भी फॉरहेड को भी। आपका जो है माथा खुशादा लगेगा तो आपका फेस अच्छा लगेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। ये आ गया मेरा नोज कंट्रोल के लिए, ठीक है। अच्छा जी, ये क्योंकि जॉ लाइन पे मैंने लगाया था, तो ये हमें जॉ लाइन पे किस तरह करना है, मुझे जॉ लाइन पे इसको इस तरह करके नीचे की तरफ ब्लेंड करना है, ऊपर की तरफ नहीं करना है, मुझे इसको नीचे की तरफ ब्लेंड करना है, ये देखिए, ठीक है। सबसे मतलब सबसे जो इसमें इम्पॉर्टेंट काम है वो है ब्लेंडिंग। आपको ब्लेंडिंग नहीं आएगी तो आप जो है वो इसको सेट ही नहीं कर सकोगे, वो अजीब सा से लगेगा, पैचेस पड़ गए आपके फेस पे, पता नहीं क्या मतलब रखा रखा सा लग रहा है कलर, ठीक है जी। ये इस तरह से, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया, देखिए आप खुद फेस को देख सकते हैं, एक तरफ से जो है वो आपको ये बैठे बैठे हुआ दिखेगा, मतलब कि एक यू स्लिम साइड पे, और ये अभी तक क्योंकि मैंने देखा यहाँ का नहीं करा है तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सेकंड मैं जो है वो इसको मैं बंद कर दूँ, नहीं ये ड्राई हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया ब्रश हमारा, ये आ गई इस साइड की कॉन्टोरिंग, ये ऑलमोस्ट मैंने कर चुकी हूँ, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा सा माथे पर कर लूँगी, ठीक है जी। ये हो गया, ये हो गया।
अब मैं आ गई अपनी जॉ लाइन पे, मुझे यूँ अपनी जॉ लाइन क्रिएट करनी है और उसको फिर नीचे की तरफ नीचे की तरफ। जब आप इसको यूँ नीचे की तरफ क्रिएट करेंगे तो ये आपका जॉ लाइन या आपका एक स्लिम लुक आएगा फेस का, ठीक है। इसी तरह से मैं कर लूँगी अपनी नोज पे, वैसे तो मेरा नोज़ बिल्कुल सही है, मीन्स के बहुत चौड़ा नहीं है, मोटा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा आपका जब नोज़ चौड़ा होता है तो उसकी कॉन्ट्रोलिंग होती है, उसकी कॉन्ट्रोलिंग बहुत इजी है, लेकिन जिनको आती है उनके लिए इजी है, वरना तो हर कोई नहीं कर सकता है। ये देखें, ठीक है, ये मैंने कर लिया था अपना क्रीमी फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसमें माइनर सा फ़र्क है कलर्स में, क्योंकि ये डार्क ब्राउन है, वो पाउडर फॉर्म है, ये क्रीम फॉर्म है, तो ऑब्वियसली फर्क आता है, लेकिन आपको क्योंकि करके दिखाना था तो मैंने आपको करके दिखा दिया। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ब्लश ऑन और हमारी कॉन्ट्रोलिंग हो जाएगी डन, ठीक है। अच्छा जी, मैं ले लूँगी ब्रश और कोई सा भी मैं ले लूँगी पिंक शेड, जिससे मुझे और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है, ठीक है जी। ये आ गया मेरा पिंक शेड, ये वाला बेबी पिंक, उसको मैं लूंगी थोड़ा सा और इसको इस तरीके से इसके साथ कर लूंगी ब्लेंड, इसके साथ कर लूंगी ब्लेंड, ठीक है, ठीक हो गया। इसको भी मैं इसी तरह कर लूंगी, ये हो गया अच्छे से ब्लेंड और ये ऑलमोस्ट हमारी कॉन्टोरिंग हो गई है डन। जस्ट ये लग रहा है मेरा मुंह पतला। सो ये हो चुका है डन। और अच्छा जी, ये हमारा हो गया डन। अच्छा जी, नोज का ये के आंसू, ये हो चुका है बिल्कुल डन। और जो है वो मैं अभी अपनी लोकेशन ही चेंज किए जा रही हूँ बार बार, क्योंकि सनलाइट आ रही है और मेरे मोबाइल ने मना कर दिया वीडियो बनाने से कि मैं बहुत गर्म हो चुका हूँ, वीडियो बंद कर दें आप। सो मेरी कॉन्ट्रोलिंग हो चुकी है बिल्कुल डन और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छा। और एक मुफ्त का मशवरा दूंगी, अच्छा जी ये तो हो गई हमारी फेस कॉन्ट्रोलिंग, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको एक और बता दूँ, अगर आपका फेस छोटा है और आपको आपको मतलब कि आपका है दिल चाहता है कि आपका फेस थोड़ा सा चबी लगे, थोड़ा सा बड़ा लगे, तो क्या करना है, ये मैंने इसको इस तरह रखा था, आपने क्या करना है, ये रखना है लॉ पर और इसको रखना है थोड़ा सा यूं, आपने यहाँ पे करना है ब्लेंड और इसको ऊपर की तरफ करें और यहाँ पे आप लगाएं अपना ब्लश ऑन, ऑसम लगेगा यकीन माने। अच्छा, ये नोज पे क्योंकि मैंने कॉन्ट्रोलिंग की थी तो थोड़ा सा मैं हाइलाइटर लगा दूंगी, ठीक है, ये देखिए, और थोड़ा सा चिन पे, तो ये हो गया डन, ठीक है जी हमारा। और अच्छा, एक और आपको मैं बता सकती हूँ, एक और इसका, अगर आपको लगता है कि आपका ये जो ये यहाँ से कुछ थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, कॉन्ट्रोलिंग में कुछ मसला हो गया, तो आपने अपना लेना है फेस पाउडर और थोड़ा सा फेस पाउडर लेना है और इसको देखिए यहाँ से भी ख़राब ना हो और ऊपर से भी ख़राब ना हो, ठीक है जी, ऐसे लगे आप, ये हो गया डन, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या है, ये देखिए आपने क्या करना है, सबसे अच्छा आपका जो फेस का कॉन्ट्रोलिंग है ना, मैं आपको बताती हूँ, आपने अपने बालों को इस तरीके से रखना है कि अगर आपने अपने बाल बांधे हुए भी हैं तो आपने यहाँ से थोड़ी सी लटे निकाली लाइक ऐसे, और ये देखिए जिसका फेस ब्रॉड है और आपको यहाँ से अपने आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रोल दिखाना है, तो आपने ये बालों को थोड़ा सा यहाँ रखना है, ये जो दो लटे हैं ना ये आपकी कॉन्ट्रोलिंग है, यकीन माने ये लटे आपकी जो आपके ये गाल के पास से आ रही है ना, ये आपकी कॉन्ट्रोलिंग है, ठीक है। अगर आप इस तरह से बना लेंगे ना तो
तो आप परफेक्टली, आपको लगेगा कि आपने जो है वो कॉन्ट्रोल करा हुआ है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जिसने नहीं करा है, और जिसने करा है थैंक यू सो वेरी मच, और मेरी वीडियो देखने के लिए, मुझे कॉमेंट्स करने के लिए, और इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें और अप्रिशिएट करते रहें। हमारा भी हौसला बढ़ता है, हम भी आप लोग के लिए नई नई वीडियोज़ लाते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आया, या इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहते तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरा टाइपॉइड मोबाइल का लोड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। सो अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अच्छे से वीडियो, अच्छे से ब्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।